प्राचीन भारत एक ऐसा समय जब अविश्वसनीय बातों को समझाने के लिए कथाओं की रचना की गई। पुरातन काल से चली आ रही ऐसी ही एक कथा है इच्छाधारी नागिन की। संतान प्राप्ति की देवी के अंदर होती है मानव को अमर कर देने वाली मणि, नागमणि। कई बार मानव ने अपने स्वार्थ के लिए नाग को बंदी बनाकर नागमणि चुराने की कोशिश की है। नागिन प्रतिशोध में दोषी और निर्दोष दोनों पर कहर ढा सकती है। मतलब यह है कि निर्माण या विध्वंस की शक्ति सिर्फ देवी देवताओं के पास है। मुझे ब्रेन कैंसर है, फिर भी मैं रेस के घोड़े की तरह पेशाब कर सकता हूँ। नींद से जागो यू इडियट्स, मुझे नाग पकड़ना है। हम उसे सांप को दिखाने ले जाएंगे, लेकिन भाई नागिन को कतई भी छेड़ेंगे नहीं, मैं तो पहली बता रहा हूँ इस बात को। तुम नाग को पकड़ोगे और नागिन उसकी डालस में रूप बदल के आएगी। ये प्लान वर्क करेगा। मुझे उसे नागमानी मिल जाएगी तो मैं अमर हो जाऊंगा। मिस्टर स्टेट्स, आपको थर्ड स्टेज का ब्रेन कैंसर है, कोई इलाज नहीं है। दर्द और बढ़ेगा, नसों में प्रेशर। तुम्हारे पास 6 महीने है। शट अप! बीन म्यूजिक प्ले करो, यही उसकी कमजोरी है, वो मजबूर हो जाएगी। आओ सर, आओ मेरे साथ आ जाओ। सर जी, हमें उन्हें तभी देखना चाहिए जब वो सेक्स करें, बस वही वक्त हुआ है जब वो बहुत घनी मस्ती में रहे हुए। सर मेरे साथ आ जाओ यहाँ से। उस नाग को पकड़ो। हम इन्हें सिर्फ चुपचाप देख सकते हैं सर, मैं वो नहीं कर सकता जो आप कह रहे हो। ये लो थोड़ा एप्पल। नहीं, गोली मत चलाना सर, साथ दर्द का भाग जाएंगे सर। अभी मुझे वो नाग चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. Jao, pakro usko. Get now. Nagdevta,
वरना माफ कर देना, ये मैं अपनी मर्जी से लग रहा हूँ। आप तो जानते हो मैं कितना मजबूर हूँ नागदेव। उसको लेके आओ मदरफकर। अब तुम मेरे कंट्रोल में हो। सर जी, वो अब हम सबसे बदला लेगी। अगर मैं रहा तो वो मेरे परिवार को भी खत्म कर देगी। हम सबसे बदला लेगी वो। मैं खुद ड्राइव करूंगा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं अनुराग पांडे। चलिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे क्या सोई हुआ यार, उठो और जाओ पड़ोसियों के यहाँ, खूब रंग डालो, अपनी पड़ोसन के पास जाओ, मिलो हिलो और ऐसे भी आज सभी भांति। हमारा बच्चा ये सब नहीं करेगा माया। यू प्रॉमिस मी। लड़का हो या लड़की हो, ए इमेजिन पुलिस ऑफिसर का बच्चा ये सब कर रहा है, इट्स पैथेटिक। माया बेटा, दरवाजा खोलो प्लीज। माया दरवाजा खोलो प्लीज। आई लव यू माया, आई एम इन लव विथ यू माया, मेरी जान माया। हम दोबारा कोशिश करेंगे बच्चे के लिए माया।
बाहर जा रही हो बच्ची? ओ बच्ची बाहर जा रही हो? बाहर जा रही हो क्या? तू कितनी सुंदर थी और अब देखो क्या हाल बना के रखा है। ऐना देखना छोड़ दिया, अब देखो तो कभी ऐना देखती है? माँ जी मैं आपका दामाद हूँ, आपकी बेटी का पति हूँ मैं। लेकिन ऐसे देखोगी ना तुझसे कोई मर्द शादी करेगा? कोई देखेगा तेरी शक्ल? अरे तुझसे रावण ही शादी करेगा, रावण ही ब्याह करेगा। मेरी बात मान, मेरी बात मान, रावण रावण ही प्यार करेगा। मैं भी तुम्हारे जैसा देख सकता हूँ। ओह या, मैं नाम को धोखा दे दूंगा। मुझे देख सकते हो, तुम्हारी लवर ना ही देख पाएगी। मुझे देखो। चला भी जीपनी का।
साला पागलपन हर साल बढ़ता ही बढ़ता चला जा रहा है। हाँ? आप कोशिश करते रहो। रोज रोज नए तरीके ईजाद हो रहे हैं।
मैं यहाँ हूँ। अरे कहाँ देख रही पागल? अरे चमिया चूतिया भाग्य से। अच्छा तो अब समझ में आया, अब समझ में आया तुझे ना। भाग चल दिनेश, भाग चल, भाग चल। अबे क्या हो गया तुझे? तूने मेरे बेवॉच का स्टेप का सत्यानाश सुने क्या? बता बराबर है रे, तो कर ले। मैं करूंगा मेरी। प्लेट रखी तुम्हारी बहुत मोटी है, खाना मत दो। खा लेने दो अम्मा, पता नहीं ससुराल वाले खाने को देंगे कि नहीं।
हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ मैं हेमलॉक रोड से बोल रही हूँ। यहाँ पर एक औरत बैठी हुई है, मुझे लगता है वो बहुत परेशान है, आप जल्दी आ जाइए। चाय पियोगी? तो अच्छा लगेगा। माया, हे बेबी, हाउ आर यू? फाइन। सुनो, यहाँ एक केस आया है, मुझे लगता है मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तुम आ सकती हो? क्या हुआ? अच्छा मैं आ रही हूँ। ओके ओके। कौन है ये, तुम जानती हो उसे? हाँ, हाय हाय, कहाँ पे? कहाँ है? ये सामने। योर रूम? मेरा रूम। समझ गई, अपना फोन लो। मैं तुरंत पहुँच रहा हूँ। अरे आराम से, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, पहुँच रहा हूँ। ओके। दिखाई नहीं देती, लेकिन आपके चेहरे पे सारी कहानी नजर आ रही है। पैमेला एंडरसन है? Yeah. हेयर, ब्लू जीन्स, प्लास्टिक की रस्सी, हड्डी, स्ट्रेंज शिट मैन। मेरा नहीं, मेरा भी नहीं। और सेलफोन This is some weird shit. इसको काट के अंदर से ढूंढ के निकालना पड़ेगा। I guess so. तो काट के ढूंढ के जब आप निकाल लें तो फोन मुझे चाहिए डॉक्टर। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, मैं नवीन हूँ सर। जरूर होंगे, आपका नया पार्टनर सर। तो आज हम किस केस पे काम कर रहे हैं सर? अरे
पीछा मत करना। सॉरी है, किसी और को साड़ी पहनाने की आदत नहीं है, पहली बार कर रही हूं। तुम कभी साड़ी नहीं पहनती हो खुद से? हाथों पर ये थोड़ा सा पुराना शीशा, लेकिन सुंदर तुम इसमें बहुत लग रहे हो। हरे देवी नारायण नमोस्तुते ओम नर्मदाये नमः प्रातः नर्मदाये नमो निशि नमोस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहि मां विषसर्पदा ओम नागेभ्योम नमः नागेभ्योम नमः नागेभ्योम नमः। धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं नाग देवी शत संवत्सर आयु नहीं चाहिए, एक पोता चाहिए या पोती चाहिए। तुम्हारी माँ रात को लैंप क्यों जला देती यार? सब लोग बत्ती बुझाते हैं, जला देती। मेरे बच्चों के लिए पूजा जो करती है करती हूँ, दिख रहा है क्या कर रही है, पता है मुझे क्या कर रही है। तुम्हें क्या है? आग लग जाएगी इसी दिन। मेरे को आयु दे के तू क्या दे रही है? बुढ़ी हो रही हूँ, तरस रही हूँ। मेरी औलाद को एक औलाद दे दे माँ, ज्यादा नहीं चाहिए माँ। एक नाग देवी, नाग देवी मेरी प्रार्थना सुन। नाग देवी परेशान हो ना? नहीं बताना मत बताओ, झूठ तो मत बोलो। अच्छा डॉक्टर के पास चले चलेंगे एक बार फिर। ट्राई अगेन। लैंप ऑफ कर दो। माया 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 आज नहीं। बताओगे क्या हुआ? आज एक केस आया था, चाकू से मारा गया था। उसकी बॉडी बड़े अजीब तरीके से सूज गई थी, ऐसी डिस्टॉर्टेड। ये तो तुम हर दूसरा दिन देखते हो। अरे सुनो ना, पूरी बात सुनो। और ये दूसरा जैसे किसी ने उल्टी की हो, नो कोश का लोथड़ा होता है इतना बड़ा, पूरा कपड़े बाल बिखरे हुए, एंड दिस मोबाइल जिसे साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाते ना वैसा, उसको देख के समझ में नहीं आ रहा ये क्या, ये है क्या चीज। मतलब किसी ने किसी को कुछ खाया हो, खा के उसको फिर निकाल दिया हो, पूरा ऐसे कपड़े हैं उसमें बाल ऐसे बिखरे हैं, बाल 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 बाल। अगर मूड नहीं है फिर तो बोल दो, बहाने मत बनाओ। गुड नाइट। चिकनी Oh!
सर एक खबर है। और क्या है वो खबर? मेरे दोस्त ने देखा उसको, वो आपको ये बताने और पैसे लेने आए हैं। पैसा पूरा यकीन होने के बाद मिलेगा। दिनेश, सर ये दिनेश है, ये सपेरा है और इसने उसको देखा है। जिस तरह तुम कांप रहे हो लगता है तुमने उसको देखा है। नागिन की कहानी तुम्हें तो पता है, ये उसका लवर है। ओ मनी मनी मनी, तुम्हें पैसा चाहिए, ये लो। Come on. पर मुझे यकीन चाहिए। अपने फ्रेंड को पैसा दे दो, मुझे उस पर यकीन है। ये पागलपन है, ये पागलपन है, ये पागलपन है। Come on, bitch. Now, apne lover ko doon lo. वो आएगी तो आएगी, लेकिन हम यहाँ जरूर रुकेंगे कि पैसा मिलेगा, और पैसा जरूरी है। हम यही तो चाहते थे कि कहीं से भी पैसा आना चाहिए। और क्या, आना ही चाहिए। पैसा मत। ए, ये पिलाओ, लो भाई। जब कैसे वापस आने के लिए आओगे? ये काम पे। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ ना। सर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, वो इतना जहर लाया कहां से होगा? क्या बता? इतना ज्यादा जहर किस लिए, जब वो थोड़े से जहर से भी तो मार सकता था। I don't know. इतने जहर के लिए तो कम से कम 1,000 कोबरा लगेंगे सर, और कई महीनों तक इतना सारा जहर इकट्ठा करना पड़ेगा सब काम छोड़। थोड़ा चुप क्यों रहते भाई साहब? पता नहीं सर, कोशिश करूंगा। आप मेरी बात समझिए, इस केस में जरूर कुछ प्रॉब्लम है। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, मतलब पक्का इसके पीछे कोई राज है सर। एंड आई एम टेलिंग यू, आप ये फोटोग्राफ देखिए सर, बॉडी में इतना जहर भरा हुआ था कि मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते सर। मतलब है कुछ सर, ये सिर्फ सादा सिंपल मर्डर नहीं है सर। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। अब सर इतना सारा जहर एक बॉडी में मिलना मतलब अजीब बात है सर। बहुत बहुत इंटेलिजेंट। थैंक्स। मैं सर रेजिग्नेशन दे रहा हूं अभी।
घंटे से बांट रहा है तू यार, भीड़ लगा रहा हूँ। चल चल इसको बता क्या है। चलो भाई कुछ तो गड़बड़ है। अरे नहीं बांटने लाउन में बांट। किसके बारे में बात कर रहा है? जॉर्ज के। मिस्टर चार्ज के बारे में। अरे उसके दिमाग में कैंसर है और वो कैंसर अंदर ही अंदर उसे खा रहा है। नहीं तो वो नाक में नहीं ढूंढ रहा है, इसीलिए वो नाक को चुरा कर ला लिया है। वो भी मानता है इन पुरानी बातों को? फिर अगर उसके दिमाग में कैंसर है तब तो वो कुछ नहीं मानेगा। पुरानी बातों को तो मैं भी मानता हूँ भाई, बाहर में गया दुनिया, अपने को तो पैसे से मतलब है। बस बस मनी मनी वो सब ठीक है, लेकिन वो नागिन को इधर ही बुला रहा है। चलो चलो भाई खेलते। कुछ कुछ भी बोलता है। अरे जॉर्ज तो पागल कमीना है यार, नागिन अगर फिल्मों की सीरीज में दिखी ना तो मजा आ जाएगा। लेकिन नागिन की बात अपने को बकवास लगती है। और आप उसे कब से जानती हैं? कितने सालों से? मैं उसे 15 बरस से जानती हूँ। और आप माँ जी? मैं भी। तो ये वो लोग हैं जो उस गाइड के पड़ोसी थे और उन्हें काफी सालों से जानती हैं। कल आप क्या हुआ? हाँ डॉक्टर, क्या पता चला? सारे टेस्ट दोबारा किए कि कोई डाउट ना हो। रेपुटेशन तो अच्छा है और मुझे ये कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ। क्या मतलब? ये जो घाव है ये कोई चाकू या हथियार के नहीं है, मानो जहर से भरी हुई एक बहुत बड़ी सिर। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आप कह रहे हैं कोई है जो लोगों को सांप के जहर से मार रहा है? अभी मैं बस है तो है वैसे ही। क्या चल रहा है? बॉडी की शनाख्त हो गई है? यस सर, ये जंगल गाइड लखनऊ जो कुछ समय से गायब था। हमें अपना काम करने देंगे? आप लोग पीछे चलो, वो पीछे सुना दीजिए। चलो सर, इस आदमी के जो बच्चे हैं ना, वो लड़का और लड़की। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये लाश, ये दिल दहला दो पर। तो सर वो कहते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़े सांप को देखा और वही सांप इस बॉडी को यहाँ ला के ले गया। बहुत बड़ा सांप। राइट सर, प्लीज पीछे पीछे बेटा। हाँ सर, यही लड़का है इसका। देखो क्या नाम है तेरा? तुम ड्रग्स लेते हो क्या रवि? नो सर, नॉट एट ऑल, मैं तो विस्की भी नहीं पीता। इसकी सफाई करो इसकी। तुम्हारी माँ ने अगर किसी का मर्डर किया सेल्फ डिफेंस में, बच्चा क्या बोलेगा कि मेरी माँ ने मर्डर किया है? सर आप धार्मिक किस्म के इंसान नहीं है ना? धर्म का इससे क्या लेना देना? सर ये कोई आम मर्डर केस नहीं है, ये कुछ जरूर देवी देवताओं वाला केस है। सर देवी देवता का मामला क्या होता है? सर दत्ता, सर मेरा कहने का मतलब है कि इफ यू सी द बॉडी, बॉडी को बाग में भिजवा। मैं जो देखता हूँ उसके ऊपर विश्वास करता हूँ। ओके और तुमने बोला कि तुम ड्रग्स नहीं लेते हो? नो सर। राइट, नो सट्टा वट्टा? नॉट एट ऑल। ऑलराइट सर, बच्चे झूठ थोड़ी बोलेंगे। मेरा पीछा मत करना फिर। सर मैं कैप्टन सिंह का भतीजा हूँ, फ्रॉम चेन्नई। उनका आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है। तू उस लफंगे का भतीजा है? जी सर। तो चूती ने फोन क्यों नहीं किया? सर उनको कैंसर हो गया। कब? काफी टाइम हो गया सर, वो चल बसे। और जाने से पहले वो अपनी विल में लिख कर गए थे आपका एड्रेस, आपके बारे में, और उनका आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ सर। उसका एहसान है मुझको। नाइस टू नो यू मिस्टर नवीन। थैंक यू डिटेक्टिव गुप्ता। सॉरी सर। कब? नवीन यहाँ पर हम एक हथियारे को ढूंढ रहे हैं। यस सर। किसी सांप आपको ले? यस सर। ऑलराइट। यस सर। कब?
कल्पम निरीहम नहीं सर, हमें थोड़ा बहुत तो अपने पुरानों पे विश्वास करना चाहिए। आपने प्रैक्टिस करवाना चाहिए सर। मेरा नहीं, उसका सर। सीरियल किलर का मामला लग रहा है। हेलो माया, तुम ठीक हो? आई एम मॉम। तुम कहाँ हो? हाँ अभी घर पहुंची। हाँ घर पे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। बार बार क्यों पूछ रहे हो, क्या हुआ? ओके मैं बात करता हूँ, बताता हूँ। हाँ तुम ठीक हो? वो पुलिस स्टेशन वाली लड़की कहाँ है? पता नहीं, वो कल रात गायब हो गई। नहीं मैं बाद में बताता हूँ। घर पे रहना। ओके बाय। ओके काम करती है यार। सर प्लीज सर, ये जो कुछ भी हो रहा है इस बारे में माया, उन मजलूम औरतों को। माया। हाँ माँ। इस केस में काफी डेवलपमेंट हो चुकी है। पुलिस ने विक्टिम की पहचान कर ली है। वो महिला सेवा संघ में पार्ट टाइम वॉलंटियर था और बलात्कार की सजा काट चुका है। और यहाँ की सारी औरतें कसम खाती हैं कि जो औरत यहाँ आई थी वो नाग देवी ही थी और उसी ने उन्हें बचाया। तुम्हारी दोस्त है सर, मैंने कहा था ना आपसे। यहाँ पर रहने वाली औरत कोई ऐसा कर सकती है? विक्टिम अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकता है सर। सारी औरतें मिलकर भी करें तो ये पॉसिबल नहीं है सर। वो अंधी डरावनी औरत कह रही है, जो आई थी वो नागिन थी। Whatever it is, हालात तो बिगड़ते जा रही है। उस लड़की को ढूंढो इमीडिएटली, माहौल ठीक नहीं है। आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? एक सांप ने आपको यहाँ पे बचाया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और भाई कैसा है? इस आग्नि से रक्षा करो। Thank you.
को ही मिली है। अगर कोई नाग को कैद कर लेता है, पकड़ लेता है या उस नाग को मार देता है तो नागिन अपना बदला लेने के लिए अवश्य उस इंसान को ढूंढती है। आता सच्चाई क्या है जानते हैं उसके परिवार से। आप बताइए कल रात यहाँ क्या हुआ था? उसने हमारी जान बचाई, मेरे बच्चों ने अपनी आंखों से देखा। आपने देखा उसे? हाँ, उसने मेरी जान बचाई। आप बताइए कैसा दिखता था वो सांप? वो बहुत बड़ा था, वो आदमी से भी बड़ा था और ट्रक से भी बड़ा। बुरे कर्म का दंड नागिन जरूर देंगे, उनसे बदला लिया जाएगा जिन्होंने नाग को परेशान किया है, यही पुराणों में लिखा है। पुजारी जी, उनका क्या जो चमत्कारों में विश्वास नहीं करते या फिर पूजा पाठ नहीं करते, आपके हिसाब से जो पवित्र नहीं है? देवी माँ उनके प्यार की तलाश में भटक रही है, जो भी उनके रास्ते में रुकावट बनेगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये समय है चर्च, मंदिर और गिरिजाघरों में वापस जाने का और घुटने टेक कर कर्मों की क्षमा मांगने का, क्योंकि एक ऐसी औरत आ गई है जिसे इससे कम कुछ मंजूर नहीं है और वो जहरीली है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल मेहता के साथ मैं शगुफ्ता। इस दौरान मरने वालों के शरीर में जिस मात्रा में नाग का जहर पाया गया है, पुलिस स्थानीय सपेरों से पूछताछ कर रही है। हम पूरे जोर शोर के साथ आसपास के सभी सपेरों और हर पैथोलॉजिस्ट को निकाल रहे हैं। मैं किसी का पीछा कर रहा हूँ, मच्छी मार्केट में हूँ, तुम आओ।
होंगे हमारी मदर इन लॉ हैं। अच्छा। वो किसी बच्चे से कम नहीं है, वो बहुत बड़ी बच्ची है। ओके ओके। अब आज जो भी हुआ उसको भूल जाओ। नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स। मुझे घर बुलाने के लिए शुक्रिया सर। सर इस हालत में डिनर पे आना ठीक रहेगा? ये हमारे काम की निशानी है, काम करने वाला आदमी हमेशा खूबसूरत लगता है। भाभी सॉरी ये धूल मिट्टी के लिए। I'm sure तुम्हें बहुत भूख लग गई। देखो अमन उस दिन जब ये डिस्क्राइब कर रहे थे पता, जब पहली बार इन्होंने मुझे डिस्क्रिप्शन दिया ना मुझे लगा कि कहानी बना रहे। नहीं भाभी ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ उसने जो टी शर्ट पहनी थी ना उसमें पैमेला एंडरसन की फोटोग्राफ बड़ी मस्त थी। पैमेला एंडरसन सिंह अंकल बहुत प्यार करते थे मुझे। थैंक्स भाभी, वो सचमुच एक ग्रेट इंसान थे। जानते थे हम दोनों के बारे में। In fact, he made sure कि रिको मुझे प्रपोज करे। Oh, really? फिर तो आप उनके बहुत एहसान मंद हो। ऐसा क्या? हूँ तो। मुझे पता है, मैंने आपको पहले कहाँ देखा है? टीवी शो पे? न्यूज़ न्यूज़। ओह ओह आप ठीक कह रही हैं माजी। हसमुख हो, अच्छा लगता है। थैंक्स माजी। तू हमसों का जोड़ा सेट पे मिला था क्या? टीवी शो पे? अरे शो पे। अम्मा रोटी खाई। ये हमसों का जोड़ा सेट पे। अम्मा रोटी खाई। प्रेमी है ना बच्ची की? सेट पे? सेट पे मिला था? सॉरी पिकू। भगवान का शुक्र है कि उसको भी लड़का मिल गया। भगवान का शुक्र है अम्मा, अब उनकी शादी करा देते हैं। ठीक है शादी? अम्मा आंखों की आंखों में इशारा हो गया। बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों की आंखों में इशारा। थैंक्स फॉर द लवली डिनर सर, खाना खा के वाकई मजा आ गया। मुझे अच्छा लगा तुम आए। And thanks for playing along. Sir, आपकी एक great family है sir. I wish एक दिन आपकी बहुत खूबसूरत family हो। Thanks sir. All right. की आंखों में इशारा हो गया। बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। Thank you.
एक्सक्यूज मी मिस, ए मिस, उड 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 उड। क्या माजी? जागो। क्या? मुझे पता है तू ही वो नाग देवी को ढूंढता है। नागिन के शो में केबल कटवा दूंगा मैं। नागिन के शो में आगे क्या होगा मुझे पता है। अच्छा हाँ, अगले एपिसोड में तुम्हारा ही सबसे लंबी रोल है। हाँ माँ जी, अब जाके सो जाओ। तुम्हारे कैरेक्टर नागिन की प्रेमी को ढूंढ लेता है। ओके। एक बुरा आदमी ने उसको बांध के रखा है, नागिन की प्रेमी को यहाँ के पास एक जगह में छुपा रखा है। देखा नहीं मैं, वो बुरा आदमी को कैंसर है, वो मरने वाली है, मरने वाला है, वो नागमणि ढूंढता है। नागमणि? नागमणि क्या है मालूम? हाँ मालूम। नागमणि जिसको पाने से वो अमर हो जाएगा। He wants to be immortal. वो नागिन को बहलाकर अपने पास बुलाता है ताकि नागिन अपनी प्रेमी के जान के बदले में वो नागमणि दे देगी। नागमणि? नागमणि वो चीज है जिसको पाने से वो अमर हो सकता है। अच्छा। Immortal. He will become immortal. समझ गए ना? अच्छा तो मैं अभी जाऊं ताकि तुम अपने एपिसोड के लिए तैयारी करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। अच्छे कपड़े पहनना, हंसना, स्माइल, ठीक है? अच्छा अभी मैं चली। तुम जाओ मिल के पास, वो शमशान के पास है ना वो पुराना मिल, जहाँ मुझे जलाया जाएगा। संस्कार कहां कराना चाहती थी? I'm sorry. No, to marne ki himmat mat karna. No, wo zarur aayegi. No. ठीक नहीं, मैं पानी लाता हूँ। क्या हुआ सर? मैंने क्या किया है? बात ये नहीं है कि तुमने क्या किया है, बात है अब तुम जो करने वाला हो उसकी। सर क्यों? थैंक यू इन एडवांस। तुम्हारे ऊपर लगी ये गंदगी बहुत दूर से सूंघ लेगी। Run, worm. I said fucking run.
भाई ये गधे की गांड कभी भी लग सकता है। मैंने जाल बिछाया है, वो जरूर फंसेगी। Go, go, get out of here! लेकर आ उसको! Come on, bitch! आओ और अपने लवर को ले जाओ। उस गंदगी को हटाओ। वो हमारे साथ है माया, मैं आता हूं। चाबी चाबी। पर हम वहां क्यों जा रहे हैं सर? देखना चाहता हूं जो आज तक नहीं देख सका। Yeah.
showtime. Say, baby, aram se. Mera suit kaisa lag raha hai, hmm? Oh, tu mujhe nahi dekh pa rahi ho. Ye tumhare liye hi maine design kiya hai. Nahi, get up, kid. Sorry. Is bug body mein power nahi hai? Oh, no. 90 decibels ki beam music. Koshish karo, hmm? Come on. Come on, goddess. Apne lover ko bacha lo. Thoda sa. Yeah. वो चाहिए उस तक तुम पहुंच सकते हो. अब मैं बताता हूं जो मुझे चाहिए. मेरी तरफ देखो, मुझे नागमानी चाहिए. अब वो मुझे दे दो. मुझे नागमानी चाहिए. मुझे कैंसर से नहीं मरना है. मैं अमर होना चाहता हूं. नागमानी बाहर उगल दो. पुलिस! पिस्तौल फेंक! नवीन, नवीन तू ठीक है? मैं जानता हूं तुम्हें. तुम्हें नहीं पता ये क्या किया तुमने. You fucking civil servants! तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया. बस 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 बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें. सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने. नो नो देख मेरी तरफ. कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा बच्चा जी. ना ना ना, सब ठीक है.
कुछ नहीं, कुछ नहीं ओके नवीन नवीन किए को मिटाया नहीं जा सकता इतनी आसानी से।
मेरे दिल का गया करार है, मेरे देश का गया करार है।